मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी यहाँ आप देख रहे होंगे ना कि मेरा थोड़ा सा टीका और सिंदूर लग गया, क्योंकि अभी जो है मॉर्निंग टाइम है और मैं पूजा करते आ रही हूँ। और बाहर बारिश हो रही है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और बारिश हो रही है। और ये देखिए काफ़ी धूल को भरा हुई है और बड़ी अच्छी हवा भी चल रही है। तो ये है नज़ारा। बन रहा है हलवा सूजी का, जो कि भोग लगेगा। आज है रमेश का फोर्थ मंथ बर्थडे। आज वो 4 महीने का पूरा हो गया है, तो इसलिए ये स्पेशल है। और जब भी ऐसा होता है उसका, तो उसका हम मंथ सेलिब्रेट करते हैं, हर मंथ का बर्थडे। तो उसमें मैं ज़रूर भगवान को भोग लगाती हूँ। और वो रहता है शीरा सूजी का हलवा, तो वो भी बन रहा है। अब उसके बाद मैं भोग लगा दूँगी और उसके बाद फिर हम खाएँगे। देन हम करेंगे थोड़ी लंच के ब्रेक। आज बहुत सारे प्लान्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करना है, देखते हैं किस तरह से मैनेज होता है। अभी जो है नमेश वो सो रहा है, उसका मसाज हो गया है उसकी, और उसको मैंने फिट भी करा दिया है, उसकी मसाज हो गई है, मतलब ऑल थिंग्स आर डन। जो उसका मॉर्निंग रूटीन है वो कम्प्लीट हो गया। अभी वो सो रहा है, थोड़ी देर सोने के बाद फिर उठेगा, फिर उसको फीड कराना है, फिर दूसरे मसाज का टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद का टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा दिन कब बीत जाता पता ही नहीं चलता है। फिलहाल अभी मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, बनाने के बाद भोग लगा कर आपसे मिलती हूँ। हलवा यहाँ पर रोटी हो गया है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल के मिक्स करके भोग लगा रहे हैं थोड़ा ठंडा। हमको पहले हम लोग ने भोग लगा दिया है, और भोग लगाने के बाद फिर इसका प्रसाद ग्रहण करेंगे। और आम ब्रेकफास्ट में भी आज सूजी का हलवा ही खाने वाले हैं। तो भोग लगा चुकी हूँ, भोग लगाने के साथ साथ ही जब भोग बना रही थी तो उसी के साथ साथ नमिश की जो है बॉटल को स्टरलाइज करने के लिए भी मैंने रख दिया था, क्योंकि उसे उठने का टाइम हो गया था, वो कभी भी उठ सकते थे, उससे भूख लगी उसको फीड कराना था। तो उसके बाद मैंने बहुत सही डिसीजन लिया, उसके बाद मैंने तुरंत उसको बॉटल को स्टरलाइज करने के लिए रखा, और साथ ही साथ जैसे ही मैं भोग लगा कराई तुरंत वो उठ गया। तो उसका भी दूध रेडी करके उसको दे दिया है और वो उसको फीड करवा रहे हैं। हेल्दी के साथ साथ आज जो है वो बन रहा है सब लंच में। इसी के साथ साथ आज लंच में है सब्जी, भिंडी आलू और पराठे, ये बनने वाली है। तो चलिए अभी मैंने वो भी ट्राई करने के लिए रख दी है। बिल्कुल भुजिया एकदम सिंपल बनना है, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, वो वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा, पूरा आप देखते रहिएगा। हाँ, पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह की नई वीडियो के लिए। नमिश की इंस्टा आईडी और यूट्यूब चैनल को भी जरूर फॉलो सब्सक्राइब करें, नए नए और बेहतरीन रील्स देखने के लिए। आजकल उसके रील्स बहुत चल रहे हैं, तो उसको ज़रूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, और उसके आईडी है लिटिल नमिश, और आपको नमिश की दुनिया के नाम से उसका चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अभी तो मैं पूरा काम कर लूँ अपना, आपको दिखाती हूँ कि मैंने सब्जी चढ़ा दी। बन रहे हैं भिंडी आलू की सब्जियाँ पराठों के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हो चुके हैं। हमने सूजी का हलवा बनाया था, हमने चाय पी थी, इसी के साथ हमारा जो बेबी है वो भी सो रहा है, उसको हमने सुला दिया है। जैसे मैं थोड़े से काम को निपटा लूँ, आज जो है मैंने वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कपड़े भी डाल के धोने हैं। मौसम आप देख ही रहे हैं, सूखने का जल्दी कोई नामो निशान नहीं है। इसी के साथ साथ अभी किचन में भी काफ़ी काम है, और आज मुझे करनी है फ़ोटोशूट की तैयारी बेबी के लिए, क्योंकि उसका फोर्थ मंथ कम्प्लीट हो रहा है, तो आज फोर्थ मंथ का फ़ोटोशूट होगा। तो अब जो है मैं चलती हूँ, बेबी सो रहा है तो उसमें काम निपटा लेते हैं। ये जगह नहीं है, ये सो ही रहा है, आधी आँख खोल के भी सो लेता है। और थोड़ा सा मौसम ठंड लग रहा है ना, तो उसको मैंने थोड़ा सा ये वॉर्म जो है इसकी जो है वो कवर कर दिया है, वॉर्म उससे वार्मर से। अब ये उठ गया है, अब इसको सुला देते हैं, इसको नींद लगी है, इसको सुला देते हैं। अभी सो रहा है, जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर लेते हैं। क्या बढ़िया हो रखा है, देखिए कितनी अच्छी बारिश भी हो रही है इसी के साथ साथ, और काफ़ी क्लाउडी तो पूरा है, फुली क्लाउडी है, और धुंध काफ़ी हो रखी है, मतलब थोड़ा फॉगी फॉगी सा लग रहा है। थक गई मैं इसको सुलाते सुलाते, पर ये सो नहीं रहा है। नहा वहा के सब सेट कर दिया, बस ए ए ए ए ए पता नहीं क्या चाहिए इसको। और ये देखिए
इसको कहीं से नहीं सोना है और ये ऐसे देख रहा है और अपना सूदर लेके ये देखिए खुद ही निकाल रहा है, इधर उधर फेंक रहा है। सो क्यों नहीं रहे हो? हाँ क्यों नहीं सो रहे हो? सो क्यों नहीं रहे? ये देखिए आज बहुत बदमाशी कर रहा है, ये बहुत बदमाशी कर रहा है। क्यों कर रहा है? बहुत बदमाशी हो ली, बहुत बदमाशी क्यों हो ली? बहुत बदमाशी क्यों हो ली है? क्यों हो ली बहुत बदमाशी? बताओ बताओ क्यों हो ली है? हाय कर दो सबको, से हाय, से हाय टू एवरीवन, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, हैव अ गुड डे, हाय। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सोने के मूड में, तो जैसा कि देख रहे हैं आप बिल्कुल सोने के मूड में नहीं है। और ये देखिए कैमरा को ये बहुत गौर से घूरे जा रहा है। फाइनली एपिक फेल, वो बिल्कुल नहीं सोया और फिर उसकी दादी अभी उसको लेके गई है टहलाने के लिए और वो अब रात से मैंने उसको स्टार्ट किया है थोड़े से राइम्स वगैरह दिखाना, तो मैंने कोको मेलन के राइम्स दिखाने उसको स्टार्ट किए एंड ही इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। आई एम नॉट चीटेड बिकॉज क्योंकि मैं अपने फ़ोन से दिखा रही थी और सरप्राइजिंगली मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि इस तरह का रिएक्शन देगा। ही इज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड एंड ही शाउटेड लाइक कि इसको क्या मिल गया है। तो मैं कभी शूट करके दिखाऊंगी, अब मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ उसको इसकी आदत डालूँ बट नॉट ऑन फोन। मैं उसको फ़ोन में नहीं दिखाना चाहती क्योंकि मैं उसको आदत पड़ जाएगी फिर मेरे फ़ोन के साथ, मैं ये नहीं चाहती ये गलती। मैं कोशिश करूँगी उसको मैं लैपटॉप पे दिखाऊँ ये चीज़ें ताकि वो बड़ी स्क्रीन पे देखे, उसको पता चले कि नहीं हर चीज़ को फ़ोन में और हाथ में लेके देखना नहीं। तो अभी तो फिलहाल नहीं सोया, अभी मुझे लंच करना है, तो इसी सब में टाइम कब भी जाता है कुछ भी पता भी नहीं चलता है। तो अभी लंच करेंगे, जब तक वो थोड़ा सा बिजी है अपने दादी के साथ। सो लेट्स गो। मैं प्रिपेयर कर रही हूँ बेबी के फ़ोटोशूट के लिए कुछ बैकग्राउंड और कुछ सेटअप कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ घर पे ही कुछ शूट और कुछ से प्रिपेयर सेटअप कैसे करती हूँ वो देख लीजिए आप। इस कलर के क्लोथ्स लिए हैं, ये एक थान का कपड़ा होता है जो रॉ आता है वो है, या फिर यहाँ पे मैं पेटीकोट का जो पूरा कपड़ा होता है फुल जो कि सिलाई नहीं हुई रहती है, रेडीमेड पेटीकोट लेते तो उसके साथ नहीं हो सकता, बट इस तरह का कपड़ा लेंगे मतलब रेडीमेड ना हो वो और थान वाला हो तो इससे काम बन जाता है। तो यहाँ मैंने दो कलर का सेम लिया है, दो कलर के कंट्रास्ट लिए हैं, एक कुछ ब्राउन है और एक क्रीम शेड में है। इसी के साथ मैंने उसके लिए एक बेडिंग भी सेट करी है क्योंकि फ्लोर पे डायरेक्ट बच्चे को नहीं रख सकते हैं, इसलिए मैंने एक मोटी बेडिंग है, ये काफ़ी ठंड का मौसम है मतलब थोड़ा बारिश का, और टाइल्स वगैरह आपकी जो फ्लोरिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, बच्चे को डायरेक्ट नहीं रखना आपको। ये कपड़ा पतला है आप इस पर भी नहीं रख सकते, तो नीचे मेक श्योर करें कि नीचे बेडिंग ज़रूर दें आप। तो मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ, नीचे बेडिंग दी है, इस तरह से लंबा सा फैला लिया है, अब इसको भी मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे पूरा सेटअप हो गया है इस तरह से कि पिक्चर लेते वक्त बिल्कुल भी कोई अगल बगल की चीज़ ना आए, अच्छा सा पूरा बैकग्राउंड क्रिएट हो। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अच्छा सा कवर दिया है, ये देखिए इस तरह से सेटअप कर दिया है। देन अब इसमें जो भी मुझे करना है फोर्थ मंथ के लिए वो अब मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, प्रिपेयर करने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने लिए हैं चावल, इन चावलों से मैं क्रिएट करूँगी जो भी मुझे बनाना है और वो डिज़ाइन मैं आपको दिखे बनाने के बाद दिखाती हूँ। चावलों से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, एक्चुअली सावन का मौसम है तो सावन का ही थीम रखा है मैंने। तो यहाँ पे मैं अभी त्रिशूल बना रही हूँ, अच्छा सा पूरा बनाऊँगी और शिवलिंग बनाऊँगी क्योंकि मुझे लगा ये सबसे बेस्ट होगा। तो सारा मैं चावल से ही ड्रॉ करूँगी, सारा डेकोरेट करूँगी, इसमें थोड़ा मेहनत है बट रिज़ल्ट जो अभी आने वाला है ना वो बहुत ही बढ़िया आएगा। आप इससे इस तरह से आइडियाज लेके बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे त्रिशूल बनेगा, फिर शिवलिंग बनेगा, ओम बनेगा एंड 4 मंथ्स का बनेगा। तो इस तरह से मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए
ये शिवलिंग ओम बनाया, त्रिशूल बनाया और 4 मंथ का ये कंप्लीट हो गया, तो मैंने इसी से 4 बनाया है। तो ये पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया, क्योंकि अभी वो सो रहा है तो मैं अभी इसको बीच में बिल्कुल नहीं उठाने वाली, जब वो अपनी नींद कंप्लीट कर लेगा तभी बना। आगे मेहनत करके आने के बाद और चाय पीने के बाद हमारा बेबी उठ गया है, बेबी को फीड करा दिया है, बेबी का मूड अभी तो फिलहाल ठीक है, बट हमको बिल्कुल नहीं पता है कि जब भी फोटोशूट के लिए ले जाएंगे तो बेबी का मूड कैसा होने वाला है। और बेबी बहुत ध्यान से देख रहा है, आपको भी दिखा देते हैं, बेबी कैचे देख रहा है, ये बहुत गौर से ध्यान से पता नहीं क्या देख रहा है, इसको लग रहा है सब इसे बाहर घूमी कराने ले जाएंगे, बट ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, और इसी सोच में ये है। तो बेबी को हम लोग धोखा देंगे, बेबी को थोड़ा शांत करेंगे, फिर बेबी को फोटोशूट के लिए ले जाएंगे, इनको ड्रेसी भी करना है, इनको ड्रेसअप भी करना है अच्छे से, और ये बहुत चाले लार गिराने लगा है, बहुत चाले टू। बेबी के जो है हम लोग करने वाले हैं उसके लिए केक बेक करेंगे घर पे ही, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अलग करती हूँ, पिछली बार जो है उसको एक ही जैसा पैटर्न हम नहीं अपना रहे हैं, हर मंथ के बर्थडे में कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट मंथ में उसका केक कटिंग हुआ था और दूसरा जो है दूसरे मंथ में आई थिंक आई डोंट नो कि क्या किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, थर्ड मंथ में मैंने केक कप केक कट करवाया था, फोर्थ मंथ के लिए हम खुद ही घर पे केक बेक कर रहे हैं, फिफ्थ सिक्स मंथ के लिए अभी कोई प्लानिंग है, बहुत सारी है बट वो आपको ब्लॉग में पता चलेगी। इसी के साथ साथ हम चल रहे हैं केक बेक करने के लिए, और आज जो है प्लान है थोड़ा सा मौसम को देखते हुए और इसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा सा चाट वगैरह खाने का, तो हम घर पे ही बनाएंगे पानी पूरी, चाट और टिक्की छोले, ये सब हम सब घर पे ही प्रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए अभी उसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं, और मौसम का मिजाज भी कुछ अच्छा लग रहा है तो इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। और नमिश खाएगा अपना दूध, यानी पिएगा, जो कि वो पीता है, उसके लिए कोई सेलिब्रेशन मतलब एक ही जाता है, दूध 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 दूध, तो वो दूध ही पिएगा। और नमिश जो है 2 मंथ आफ्टर 2 मंथ्स और अच्छा अन्नप्राशन जो होगा वो 6 मंथ का आएगा, तब फिर नमिश धीरे धीरे कुछ चीज़ों को खाना शुरू करेगा, और टेस्टी चीज़ों में भी उसको अभी बहुत टाइम है ना। तो चलिए चलते हैं केक बेकिंग की तरफ, उसमें बहुत टाइम लगता है। मटर और ये मैंने आलू, इनको साथ में बॉइल करेंगे, टिक्की के लिए आलू मटर जो है, उनके छोले बनेंगे तो पानी पूरी और टिक्की छोलों के लिए, तो वो है अब इसको प्रेशर कुक कर लेंगे 3-4 सीटी के लिए। ये पानी पूरी का पैकेट मंगा लिया, ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझे पानी पूरी के लिए, बेलो छानो और फिर पता नहीं कितना सक्सेसफुल हो, तो इससे अच्छा रहता है, ये इसमें 100 पीस रहते हैं तो ये ठीक रहता है। मैंने कुकर रख दिया है प्री हीट होने के लिए, तब तक केक का जो है वो बैटर बनाएंगे, यहाँ कुकर प्री हीट होगा, दूसरा प्रेशर कुकर रखा है, इसमें मटर आलू जो है वो होंगे प्रेशर कुक, और इसी के साथ चल रहे हैं हम अपने बैटर की प्रिपरेशन के लिए। ये यूज़ किया हुआ सॉल्ट जो हमेशा बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं वही डालेंगे, प्रेशर कुकर बिल्कुल अच्छे से थोड़ा गर्म हो गया है, और कुछ जो पानी वानी था जो अभी धुल के रखा था वो भी सूख गया है, देन हम इसको नमक डाल देंगे अब इसमें, तो इसमें हम नमक डाल देते हैं, हम ये हमने डाल दिया नमक, इसे फिर तला लेते हैं इवनली। अब ये हो गया है, हमको एक स्टैंड रखना है इसके अंदर, वो हम बाद में केक के साथ ही रखेंगे। बैटर को हम लोग पीट रहे हैं, हमारे केक का बैटर है जो काफ़ी स्मूथ ग्रीपी सा हो गया है तुरंत पेटते पेटते, और ये सिंपल है, इसमें कोई फ्लेवर वगैरह नहीं है क्योंकि था ही नहीं, तो हम लोग ऐसे ही सिंपल केक बना रहे हैं। इसमें हमने जो हम मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की है, तो कई बार एक बार एक ही चीज़ शेयर करना ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी मैं दिखा दे रही हूँ। ग्रीस कर लिया हमने एक हमारा जो घर का बर्तन था उसको बढ़िया से ग्रीस कर लिया, इसको केक बहुत अच्छा बेक होता है, वैसे तो मेरे पास केक टिन है बट उससे बढ़िया ये बेक होता है, और ज़्यादा बड़ा केक भी चाहिए हो तो ग्रीस के लिए परफेक्ट है। तो अब इसमें हम ऐड करते हैं हमारा बैटर, ये केक रेडी हो गया है, मेरा केक रेडी है, और फिर मैंने थोड़े से नट्स डाल दिए हैं, थोड़ा अच्छा लगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो रहा था, दैट्स व्हाई, और अच्छा लग गया, थोड़ा सा डार्क डार्क कर दिया है। अब इसे हमारा जो उसमें हम डालते हैं, पहले तेज आंच पे डालेंगे बहुत सावधानी से, तो ये मैंने प्लेस कर दिया है बहुत सावधानी से, और उसके बाद अब इसे थोड़ा सा 10 मिनट या 5 मिनट के लिए हम इसे तेज आंच पे रखेंगे, फिर 30x40 मिनट्स के लिए मीडियम, 40 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं।
थे, यहाँ मैंने इसे रेडी कर दिया है, इसको धोती पहनाई, इसको टीका लगाया है, ऊपर कुछ नहीं पहनाने वाले थे मगर मौसम ठंड का था तो इस वजह से इसको एक इनर मैंने पहना दिया उसको ठंड ना लगे, और बिल्कुल ये रेडी हो गया है। और जैसे ही फ़ोटोशूट करवा रहे थे मेरे ख्याल से 2-4 शॉट के बाद ही वो रोने लगा, क्योंकि बच्चे के साथ इतना मुश्किल होता फ़ोटोशूट और उसे नींद भी आ रही थी, तो फोर्सली मैंने उसको पहले काम डाउन किया, फिर उसको सुलाने के लिए ले गए, क्योंकि सबसे पहले उसका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो नमेश सो गया है, वो रो रहा था इसी वजह से उसको नींद लग रही थी, तो मैंने उसको जल्दी सुला दिया, बाद में देखेंगे फोटो का क्या करना है। दूसरा अभी जो है कुछ कपड़े हैं वो मैं उतार लेती हूँ जो कि ज़रूरी है उनको सुखाना, तो वो अंदर कर लेते हैं ताकि हवा में सूख जाए। तो यहाँ ये सो रहा है तब तक बाकी के काम निपटा लेते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैंने छोले बॉईल कर लिए, आलू भी बॉईल जो कर लिए थे उनको भी मैश करके रख दिया है, और इसी के साथ साथ केक भी हो गया है लगभग, तो कुकर को ऑफ कर दिया है, थोड़ा ठंडा होने पे केक को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। इसी के साथ साथ छोले यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए हैं मेरे और मेरी सिस्टर ने, और फिर इसी के साथ जो है ये थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी, क्योंकि पानी पूरी के साथ खाना है, टिक्कियों के साथ छोले खाने हैं, इसलिए है पानी रेडी हो गया है, इसको अच्छे से बना लिया है, पुदीना इमली नींबू जीरा ये सब डाल के एकदम बढ़िया सा बन गया है, बूंदी डाल दी है सारी, और ठंडा होने के लिए थोड़ा फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे टिक्कियों को भी गर्मा गर्म फ्राई कर रहे हैं, तो ये एकदम गर्म गर्म निकाले ताकि खाने में भी थोड़ा अच्छा लगे। और अभी जो है नमेश शायद उठ जाएगा तब तक ये सब रेडी कर लेते हैं। चीज़ें डन हो गई है, बन के एकदम रेडी हो गए, छोले पानी सब टिक्की वगैरह और ऑलमोस्ट सब हो गया है, और उसी के साथ नमेश वो उठ गया, उसको फीड करा दिया, अब उसका मूड तो ठीक लग रहा, उसके पापा भी आ गए हैं तो शायद फ़ोटोशूट अब बेहतर तरीके से हो सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं फ़ोटोशूट के तरफ, और उसके बाद फिर केक करेंगे। करेक्ट होने के बाद सीधा खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी फिर से उसको सुला दिया, अगर उठ गया तो वह खाना नहीं खा सकते जल्दी, तो फिलहाल अम्मी जो है वो प्लेटिंग कर दी है, तो वो मैं भी खाता हूँ। छोले टिक्की और पानी पूरी प्याज, बाकी सब लोग अपना बना लेंगे, और पानी रखना है, बाकी चाट बना लेंगे, पानी पूरी सब लोग अपना खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी प्लेटें लग गई है, यहाँ पे सब चीज़ें हमने रख ली है और इंजॉय कर रहे हैं हमारा आज का डिनर। डिनर करके सारे काम निपटा के सोने आए थे, पर सोने को नहीं मिला है क्योंकि अभी बज रहे हैं 12, और मेरे जो बच्चा है उसको लग रही थी 9 बजे से नींद, लगते लगते 12 बज गए अभी तक, मगर वो सोया नहीं है और ना हमें सोने दे रहा है। अभी उसे घूमने का मन कर रहा है, टहलने का मन कर रहा है, तो अभी वो टहल रहा है और हमारी आंखें जो है वो नींद से एकदम है ना भरी हुई पड़ी है, कब आंख ऐसे ऐसे हो रही है, पर हमारे बच्चे को नींद नहीं आ रही। देखिए कब सोता है पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता फिलहाल, और जिसको भी देख रहा है सबसे यही कह रहा है कि आओ उसे उठाओ और ले चलो और उसे घूमना है। तो फिलहाल डिनर हो गए, सारे काम निपटा लिए, हाँ सब कुछ हो गया, बस इनका इंतज़ार किया जा रहा है कि ये कब सोएंगे। फिलहाल दोस्तों आज का दिन यहीं तक था, आज का दिन भी ख़त्म ही हो गया, 12 बज गए हैं, दूसरा दिन शुरू हो रहा है, तो व्लॉग भी मेरा आज यहीं तक का था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए हम दोनों के चैनल को, श्रेजा स्टोरी और नमेश की दुनिया, और इंस्टा पे भी हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं आई एम श्रेया और लिटिल नमेश के नाम से। और मेरी बेबी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए उसके बर्थडे पे, उसके हर आने वाला जो मंथ का बर्थडे है, ईयर के बर्थडे है, साल दर साल जितने भी बर्थडे पड़ेंगे सब शानदार हो, अच्छे हो, और लॉन्ग लाइफ मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले और अच्छी हेल्थ हो उसकी, तो इसकी ब्लेसिंग्स जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आप अपना भी ख्याल रखिए, लव यू, सी यू।